हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पद पर शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी इस मौके पर मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री तथा बाकी नेताओं को भी शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शपथ ली, उसके बाद उनके मंत्रियों ने एक एक कर शपथ ग्रहण की। महेंद्र सिंह ठाकुर ने शपथ ग्रहण की। धर्मपुर से सातवीं बार जीते वो दो बार मंत्री रह चुके हैं। किशन कपूर ने शपथ ली। धर्मशाला से वो पांचवीं बार जीते वो दो बार मंत्री रह चुके हैं। सुरेश भारद्वाज ने भी शपथ ली। शिमला से चौथी बार जीते पहली बार बने मंत्री। प्रदेश अध्यक्ष सांसद रह चुके हैं। अनिल शर्मा ने ली शपथ। मंडी से चार बार जीते वीरभद्र सरकार में थे मंत्री। 2017 में बीजेपी में हुए शामिल। पंडित सुखराम के पुत्र। सरवीन चौधरी ने ली शपथ। शाहपुर से चार बार जीती चार बार मंत्री रही हैं। रामलाल मार्कंडे ने ली शपथ। लाहौल से तीसरी बार जीते पहली बार मंत्री। साफ छवि के नेता विपिन परमार ने ली शपथ। कांगड़ा के सुलह से तीसरी बार जीते पहली बार मंत्री। 1958 में पहली बार बने विधायक। वीरेंद्र कंवर ने ली शपथ। कुटलैहड़ से चौथी बार जीते पहली बार मंत्री। कोई आपराधिक मामला नहीं। विक्रम ठाकुर ने ली शपथ। जसपा प्रागपुर से तीसरी बार जीते पहली बार मंत्री। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके। गोविंद सिंह ठाकुर ने ली शपथ। मनाली से तीसरी बार जीते पहली बार बने मंत्री। संस्कृत में ली शपथ। राजीव सैजल ने ली शपथ। कसौली से तीसरी बार जीते पहली बार मंत्री। जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जहां तक काम का सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी ठाकुर जी राम जी जो भी निर्धारित करेंगे हम उन्हीं के अनुरूप चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी हमारे संकल्प चुनाव के समय में घोषणा पत्र जो है उसी को सरकारी दस्तावेज बना के काम करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अभी मंत्रालय बांटा नहीं है तो मुख्यमंत्री मोदी का प्रेरोगेटिव होता है। ये तो मुख्यमंत्री का था। अगर आप चाहते तो आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट होगा जिसमें आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, जो आपको करने की इच्छा हो? बाकी तो मुख्यमंत्री का, पर आपका क्या है इसमें? हमारी पार्टी मांगा नहीं जाता है। मुख्यमंत्री मोदी जो देंगे उनके अनुरूप हम चलेंगे। साल तक ये लगातार हिमाचल प्रदेश में इनके अध्यक्षता में चार बार लगातार इनकी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वीरू छह बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जय पहली बार आया, कुछ कर पाएंगे? जय एक और उनके साथ अन्य मंत्री मंडल भी शपथ लेगा। इसलिए हम आए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनने वाली है, सुशासन जो यहाँ पे दे पाए इस प्रकार की सरकार से हमें उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से वीरभद्र सिंह ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिछली सरकार में जिस प्रकार से कानून की अव्यवस्था थी, आपके आईजी रैंक का अधिकारी अंदर जाता है, पूरा का पूरा थाना अंदर जाता है। और पूरे हिमाचल किसान और बागवान कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहूंगा और उनसे उपेक्षित उम्मीदें भी रखेंगे कि किसान और बागवानों के हितों को देखते हुए जो आजकल उन पर दुराचार अत्याचार हो रहा है उनको मद्देनजर रखते हुए भी लोगों के साथ चले और महंगाई पर अंकुश लगाए। और जो आजकल ये प्रशासन ये कन्या पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं उनसे अपील करता हूं कि मेरी माता और बहनों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे और उनको सुरक्षित करने की मैं अपील करता हूं। धन्यवाद। और एक गरीब किसान के बेटे को और एक गांव के रहने वाले व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री का मौका मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी लगातार कम से कम चार बार जो है वो इस टेन्योर को पूरा करेंगे। जनता श्री जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने पर अति खुश है। हमें उम्मीद है हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। आज शपथ समारोह है और यह सरकार से हम आशा करते हैं कि सभी वर्गों का पूर्ण ध्यान होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जयराम ठाकुर जैसे नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को मिला है, इसे हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग अत्यंत प्रसन्न है। यह आज बहुत खुशी का दिन है। आज यह हमारे एक नए युग का आरंभ जैसे हो रहा है। यह अति प्रसन्नता का दिन है। इसलिए यहाँ पर आम जनता हर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर विराजमान है। यह हमारे लिए गर्व की बात है।